अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आप भी अपने कंप्यूटर पे आने वाले नोटिफिकेशन की वजह से बहुत तंग हैं, जो कि बार बार आपको आके डिस्टर्ब करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर का नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं, जिन ऐप के नोटिफिकेशन आप रिसीव करना चाहते हैं उनके रिसीव उनको अलाउ कर सकते हैं उनके रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज जो फजूल सी एप्स के कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ना कुछ हमारे कंप्यूटर के ऊपर पॉपअप होते रहते हैं उनको आप वहां से बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, डिस्प्ले साउंड नोटिफिकेशन एंड एक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें से आपने जो आपका जो रिक्वायर्ड है वो है नोटिफिकेशन एंड एक्शंस, क्योंकि आप नोटिफिकेशंस को ही अपने एडजस्ट करना चाहते हैं कि अपनी डिजायर के हिसाब से उनको अलाउ करना चाहते हैं नोटिफिकेशंस को। सो हमने जो है नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना है, जाके आप जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स। अगर आपने कंप्लीट नोटिफिकेशन को ऑफ करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके जो तमाम नोटिफिकेशन है वो सब ऐप से आना बंद हो जाएंगे। लेकिन किसी किसी ऐप के नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, सो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप कंप्लीट नोटिफिकेशन को ऑफ ना करें। आप चेक कर सकते हैं कि जिस ऐप का नोटिफिकेशन आपको जरूरत नहीं है उसकी, तो आप उसको नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए हम ये जो नोटिफिकेशन का बटन है इसको ऑन रहने देंगे। तो नीचे जाते हैं, नीचे हमको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत से ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम दीज सेंडर्स, सो यही है जो एप्स जिनसे हमें नोटिफिकेशंस आते हैं। तो फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं जिसकी वजह से हम बहुत तंग थे। तो इसमें यह है कि आपको ये ऐप मिल रही है जो जिनसे आपको नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिन ऐप से आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं उनको ऑन रहने दे, बाकी को आप यहां से ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि यह फर्स्ट वाला जो ऐप है इससे मुझे नोटिफिकेशन ना आए तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। गूगल से नोटिफिकेशन ना आए तो उसको ऑफ कर दूंगा। सेटिंग का नोटिफिकेशन मुझे ना आए तो उसको ऑफ कर दूंगा मैं। जिस जिसका नोटिफिकेशन आप रिसीव नहीं करना चाहते उसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। व्हाट्सएप का है, ऑटो प्ले का है, मैसेंजर है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, सुजेशन है, सेटिंग्स है। तो इसके लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल और सेटिंग का नोटिफिकेशन जो है ऑन रहने दें, बाकी जो है उसमें से आप अपने हिसाब से जिसका भी ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर दें। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का आप ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। मैसेंजर का अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको भी ऑफ कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मैसेंजर का वैसे अगर ऑन रखेंगे तो अच्छा है, जब भी किसी का कोई SMS आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको ऐप में जाके चेक करना पड़ेगा। सो क्विक रिस्पॉन्स के लिए आप इनको नोटिफिकेशन को ऑन ही रहने दें। इसके अलावा नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, गेट द नोटिफिकेशंस यू वांट टू हैव एन ऐप स्टार्ट सेंडिंग यू नोटिफिकेशन, गो टू द गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम दीज सेंडर्स एंड देन रन ऑन दैट ऐप। इसके अलावा एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी कि जो नोटिफिकेशन गूगल के हैं, अगर आप इधर से गूगल के नोटिफिकेशन ऑफ करेंगे तो पूरे जो गूगल के अंदर जितनी भी हमारे एक्सटेंशन वगैरह जो भी चीज है वो सबके जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ हो जाएंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम गूगल में की सेटिंग में जाके गूगल के जो डिफरेंट नोटिफिकेशंस हमको आते हैं उनको हम वहां से ऑफ कर सकते हैं, कि जिस ऐप के जिस वेबसाइट के या जिस एक्सटेंशन के आप नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करना चाहते वो वहां से हम जाके उसको ऑफ कर देंगे। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप गूगल के जो ओवरऑल नोटिफिकेशन है उनको यहाँ से ऑन ही रहने दें। तो हम जाके गूगल के अंदर गूगल की सेटिंग में जाके उसमें से उसके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका नोटिफिकेशन का जो मसला है वो हल हो जाएगा इससे।
गूगल की सेटिंग की जो नोटिफिकेशंस है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।